हेलो, माय सेल्फ कुमार भार्गव, आई एम फ्रॉम पकार ग्रुप। ये हमारा प्लांटेशन का ग्रुप है। जैसे आज हम लोग ने किया है शीतला माता पार्क सेक्टर 5 में। हम लोग यहाँ पे पिछले 2-3 संडे से कर रहे हैं। इवन हम लोगों ने बहुत सारे पार्क कवर किए हैं एंड जस्ट हर टाइम थोड़ा पौधा लगाना है ऑल दीज थिंग्स। सो जस्ट फॉर सोशल कॉज आई वुड लाइक यू ऑल टू जॉइन अस। थैंक यू। मेरा नाम हर्षित पचोला है। आज हम यहाँ सेक्टर 5 शीतला माता मंदिर में पौधरोपण कर रहे हैं। यहाँ पर आज हमने कुल 5 पौधे लगाए। आज ये मेरा पहला दिन है, मैंने 2 पौधे लगाए, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। भुवनेश मेरा फ्रेंड, ये इसीने शुरू किया टीम पुकार, और ये बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। ये पौधे लगा रहा है, हर संडे यहाँ पर प्रोग्राम चलता है, 8 से 10 जितने भी मैक्सिमम पौधे हो सकते हैं लगाते हैं। पूरी बहुत अच्छा ग्रुप है, 15-20 लोग, बहुत सारे लोग हैं, और हमेशा हर संडे प्रोग्राम चलता है मॉर्निंग में। थैंक यू। माय नेम इज़ मोनिका चिंद्रा और मैं पुकार से 1 महीने से जुड़ी हुई हूँ, और मैंने 5 to 10 प्लांट्स लगाए हैं अभी तक। काफ़ी अच्छा फील होता है कि किसी के लिए कुछ करते हैं, अपने नेचर के लिए कुछ कर रहे हैं। तो मेरा नाम भुवनेश है। पुकार ग्रुप कंटिन्यू हमें 9 से 10 महीने हो चुके हैं, और सेक्टर 14 एरिया में हम लोगों ने अप्रोक्स 500 प्लांट्स हमने किए हैं, और कंटिन्यू हम लोग मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं उसकी। और सेक्टर 5 स्थित शीतला माता पार्क में आज हमारा 3रा संडे है, और यहाँ लगभग हमने 30 पौधे यहाँ लगाए हैं, और टीम बराबर इनकी मॉनिटरिंग कर रही है। तो इसी उपलक्ष में हम लोगों ने आज ये शुरू किया है, और यहाँ हम लोग इंजॉय भी कर रहे हैं, और प्लांटेशन भी अच्छा चल रहा है। और फिर हम लोग नेक्स्ट कोई और पार्क चूज करेंगे जहाँ प्लांटेशन की ज़रूरत है, और उनके बराबर टेक केयर करेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आयुष महेश्वरी है, और मैं पुकार ग्रुप से कम 8 महीने हो गए हैं मेरे को जुड़े हुए, और पिछले 8 महीनों में हमने कम से कम उदयपुर के 10 पार्क अभी तक कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने प्लांटेशन भी किया, अंदर सफाई भी की। क्योंकि हमारे यहाँ पार्क तो हैं, लेकिन उनकी हालत इतनी ख़राब हो रही है कि उसके अंदर बच्चे खेल नहीं सकते हैं, और हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो अंदर टहल नहीं सकते हैं। और किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि पार्क आर द लंग्स ऑफ द सिटी, कि हाँ पार्क सही में जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, जो रियलिटी में ऑक्सीजन देते हैं एक सोसाइटी को, वो पार्क होते हैं। तो उसी लक्ष्य को हम आगे बढ़ाते हुए हम सभी पार्क की अच्छे से सफाई करते हैं। वहाँ पे जो भी जंगली घास उग रही होती है, कोई ये कांटे वाले पेड़ उग रहे होते हैं, तो उनको हटाते हैं और अच्छे फल वाले या आयुर्वेदिक पेड़ लगाते हैं। इस काम को करते करते हमें बहुत सी शुरुआत में तो बहुत सी परेशानियाँ देखनी पड़ी, कि जैसे कि हमें इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, तो इक्विपमेंट्स मिलते नहीं थे। तो अब हमें लग ये रहता था कि हम या तो किसी खरीद के लाएँ, अब आजकल इक्विपमेंट्स भी इतने महंगे आते हैं कि हम एक साथ इतने सारे इक्विपमेंट्स खरीद नहीं सकते थे। तो धीरे धीरे सबको जोड़ा और सबको कहा कि चलो इक्विपमेंट्स अपने अपने डोनेट करो, तो सबने मिलके इक्विपमेंट्स डोनेट किए। तो हमने फिर खोदना स्टार्ट किया। फिर ये होता था किसी पार्क के अंदर चट्टाने हैं, हर जगह पार्क के अंदर खुदाई हो नहीं सकती थी, फिर भी सबने मेहनत कर करके खोदा और पेड़ लगाया। तो अब वो पेड़ धीरे धीरे जड़ पकड़ने लग गए हैं, और बारिश के मौसम में वो पेड़ चलने भी लग गए हैं। और लोगों का सपोर्ट रहता है कि हाँ चलो, कुछ लोग आते हैं हमें सपोर्ट भी करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे इसको करते रहिए। और कुछ लोग होते हैं जो कभी कभार ये भी कहते हैं कि आप ये पेड़ यहाँ ना लगाएं, ये पेड़ यहाँ ना लगाएं, लेकिन क्या करें, हमें पेड़ तो लगाना ही होगा। हर तरीके का एक तरीके का पेड़ लगाएंगे तो वो यही कहते हैं ना कि एक तरीके की चीज़ ज़्यादा दिनों तक अच्छी नहीं होती है, तो उसी प्रकार पेड़ भी अलग अलग पेड़ लगाएंगे तो वो हर पेड़ का अलग अलग गुण होता है, तो वो हमारे एनवायरमेंट के लिए बेनिफिशियल है। बस थैंक यू। हाय उदयपुर के थ्रू मैं उदयपुर के सभी निवासियों को, यूथ को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप भले डेली कुछ ना करें, लेकिन सिर्फ हफ्ते में 1-3 घंटे आप निकालिए अपने एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि हमारे को हमारे फ्यूचर जब अगर उसको थोड़ा अच्छा बनाना है, फ्यूचर को हमारे एनवायरनमेंट को अच्छा बनाना है, तो उसमें सभी का साथ चाहिए। सिर्फ 5-6 लोग मिलके ये काम नहीं कर सकते, ये काम सभी का है। तो हम सभी मिलके ये हमें ये उठाना चाहिए, क्या कह सकते हैं, हमें खुद से वादा करना चाहिए कि हाँ हम हफ्ते में 2-3 घंटे अपने पर्यावरण एनवायरनमेंट को ज़रूर देंगे, ताकि हम उसे और अच्छा बना सके और अपना फ्यूचर बचा सके। हाय, मेरा नाम अब्दुल मोबिन खान है, मैं पुकार से काफ़ी टाइम जुड़ा हुआ हूँ, और हमारा एम ये है कि जहाँ पर जो जगह बंजर पड़ी हुई है, यहाँ पर उपजाऊ नहीं है, जहाँ पेड़ वगैरह कुछ नहीं है, वहाँ पर हम लोग जाकर पेड़ पौधे लगाते हैं, उनकी केयर करते हैं,
काफ़ी सारे पार्क वगैरह और डिवाइडर वगैरह पे हमने लगाए हैं, उनकी कंटिन्यूस केयर कर रहे हैं। बाकी लोगों का एम ये होता है कि पौधे लगाते हैं, गायब हो जाते हैं, जब जस्ट एक नाम की पट्टी रहती है वहाँ पर कि इन लोगों ने ये इस टाइम पर ये पौधा लगाया। लेकिन हमारा एम ये है कि हम पौधा लगाएं, उसकी पूरी केयर करें, उसे जब तक वो बड़ा ना हो जाए तब तक उसकी केयर करते रहें। अभी हमने तकरीबन 500 को पौधे लगाए, जिसमें काफ़ी अच्छे चल भी रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि आगे भी चलते रहें। हमारा एक यही आपसे आपको आपके लिए मैसेज है कि आप हमसे जुड़ें और सोसाइटी के लिए कुछ करें। हमारे हाय, आई एम दिव्या राणावत, मैं पुकार से बहुत टाइम पहले से जुड़ी हुई हूँ और हम लोगों ने बहुत सारे प्लांटेशन भी किए हैं और हम यहाँ पे बहुत इंजॉय भी करते हैं। सबको आना चाहिए ऐसा काम, सोशल वर्क बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई भी सोशल वर्क हो, और प्लांटेशन तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे यहाँ पर सिर्फ पौधे ही ऐसे हैं जो मतलब हम सबको लाइफ सपोर्ट सिस्टम है एक तरीके का पौधे, इसलिए हमको प्लांटेशन करना चाहिए। हाय उदयपुर, मैं सिर्फ सुनील जिंगर, हम यहाँ बहुत टाइम से पेड़ लगा रहे हैं क्योंकि ये लोगों के हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है। यहाँ पर भैया बाकी सब, रमेश भैया, मोबेन भैया, बाकी सब बायोडाइवर्सिटी प्लांट लगा रहे हैं ताकि लोगों को हेल्थ की जुड़ी जो बीमारियाँ उनको उनसे थोड़ा फ़ायदा मिल सके, जैसे नीम का, बाकी सब पेड़ पौधे। पेड़ लगाते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए उसके लिए आज भी कुछ बताएंगे। जी सबसे पहले तो आपको लोकेशन सही पता होनी चाहिए, मतलब वहाँ आसपास पेड़ नहीं होना चाहिए एक तो, और अगर आप खोते टाइम अगर चट्टान निकलती तो चट्टानों में पेड़ लगते नहीं है इजीली, तो ये कोशिश करनी चाहिए कि वो जगह अच्छी हो और उपजाऊ भी हो, और कम से कम हमको 3 फीट का गड्ढा तो खोदना होता है पेड़ लगाने के लिए, ताकि उसकी जड़ें भी अंदर है और थोड़ा जब वो बड़ा हुआ है तना तो तना भी थोड़ा अंदर है, तो उसकी वजह से जो पेड़ की जो नींव है वो सही बैठती है, और फिर हम 3 फीट का गड्ढा रेगुलर खोदते हैं और उसके अंदर फिर हल्का सा एक बार पानी मिला देते हैं, और ताकि थोड़ी सी जो मिट्टी नीचे रहती है वो बैठ जाए एक बार, और फिर हम उसके ऊपर अंदर फिर ये पेड़ लगाते हैं, और जो कोशिश ये करते हैं कि अगर हमें खाद मिल जाए इजीली तो हम खाद डाल के उस पेड़ को लगाते हैं। और पौधे के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन जो होता है हमारे पास वो मिट्टी अच्छी होना ज़रूरी है, अगर हम लोग चूना वगैरह में अगर पौधा लगा रहे तो वो अच्छे से सस्टेन नहीं कर पाएगा, तो हमें ये श्योर होना चाहिए कि मिट्टी वो अच्छी हो ताकि पौधा जल्दी से आगे बढ़ सके। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो थिंग होती है वो हमारे पास ये होगी कि हमें अच्छे से उसकी जो भी खरपतवार है आसपास लगाने के बाद वो हमें ज़रूर हटाना चाहिए, अगर कोई होता है तो उससे क्या होगा कि पौधा अच्छे से सस्टेन नहीं कर पाएगा। और अगर आप अपने पास आसपास कोई भी ट्री गार्ड अवेलेबल हो तो हमें वो ट्री गार्ड ज़रूर लगाना चाहिए ताकि उससे पौधे को लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी मिलेगी। और सबसे अच्छी बात है और सबसे अच्छा सबसे मेन पॉइंट पौधे का चुनाव, सही जगह पर सही पौधा रखना चाहिए, यूँ नहीं कि आपने कोई पौधा उठाया और हर कहीं लगा दिया, कि अगर कोई सॉफ्ट पौधा है वो अगर हैवी मिट्टी में नहीं चल पाएगा तो वो कभी नहीं चल पाएगा, तो इसलिए आपको पहले पता होना चाहिए किस मिट्टी में किस ज़मीन पर कैसा पौधा चलेगा, और भी आपको चुनाव भी लगाना चाहिए उसकी बाउंड्री और पानी वगैरह ध्यान रखें। और पौधे के लिए जब हम मिट्टी वापस डाल दें तो हमें ये श्योर होना चाहिए कि उसमें हम पॉलीथीन वगैरह मिक्स नहीं हो, क्योंकि पॉलीथीन पौधे के लिए और एनवायरमेंट और मिट्टी के लिए
बहुत हार्मफुल होती है, तो इन चीज़ों का हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और मतलब कि सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि एक तो पौधे की रक्षा लगाना उसको ज़रूरी नहीं है, लगाना तो बहुत ईजी होता है, सबसे बड़ी बात है आप उसकी रेगुलरली टेक केयर करें। कम पौधा मरना नहीं चाहिए, ना उसके पत्ते जलने चाहिए। और पानी का एकदम आपको, बारिश के टाइम तो ठीक है कि बारिश के टाइम तो पौधा सस्टेन कर जाता है, लेकिन उसके बाद हमारी जिम्मेदारी स्टार्ट होती है कि हम लगातार उसको पानी दें, उसका ध्यान रखें। और पौधे के बाद हम लोगों को लगाने के बाद थोड़ा सा गड्ढा टाइप का रखना चाहिए, जैसे हम लोगों ने यहाँ कर रखा है। इससे ये होगा कि जो पानी आ रहा है बारिश का वो थोड़ा ठहर जाएगा, और हम लोग भी अगर कभी वाटरिंग कर रहे हैं तो वो अच्छे से मिट्टी के अंदर जा पाए। तो इससे पौधे की जड़ों पे अगर पानी मिलेगा तो हम पौधा ज़्यादा अच्छे से अच्छा चल पाएगा। अगर आप भी टीम पुकार का पार्ट बनना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं आप फेसबुक के माध्यम से। फेसबुक पे आप पुकार सर्च करेंगे तो आपको वहाँ हम लोगों का पूरा लिंक मिल जाएगा। और अगर आप फेसबुक पे अवेलेबल नहीं हो किसी कारणवश, तो आप कुछ दो फ़ोन नंबर है हम लोगों के, तो आप वहाँ कॉन्टेक्ट कीजिएगा, तो आपको हम लोग पूरी जो भी इसकी फॉर्मेलिटीज़ है वो हम बता देंगे। फ़ोन नंबर है 9829971479। आप सेकंड फ़ोन नंबर जो है 9783898545। ओके, थैंक यू। पुकार ग्रुप एक युवा ग्रुप है। हम लोग 9 से 10 महीने से लगातार क्लीनिंग और प्लांटेशन का वर्क करते आ रहे हैं, और लगभग सेक्टर 14 के अंदर हमने 500 प्लांट्स हमारे वहाँ अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और युवा ग्रुप होने के नाते हम लोग खुद ही सब कुछ मैनेज करते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट भी हम लोग खुद ही हर मेंबर इसके लिए हेल्प करता है। और हम लोगों को इसमें मेन प्लांटेशन पे वर्क आता है, और सेकंड इक्विपमेंट्स का हम लोगों को कमी होती है। तो अगर आप लोग हम लोगों की सहायता करना चाहें तो आप इक्विपमेंट्स हमें डोनेट कर सकते हैं, प्लांट्स हमें डोनेट कर सकते हैं। और अगर आपके आसपास घरों के ट्री गार्ड जो वेस्ट हो तो वो ट्री गार्ड भी आप हम लोगों को ज़रूर दीजिएगा, ताकि हम लोग प्लांट्स को अच्छे से सिक्योर कर पाएँ। थैंक यू।